सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के धर्म पथ की, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 14 फरवरी को अबू धाबी में भव्य स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज संभल पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां आज सुबह वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे और कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, तो वही दूसरी तरफ कल्कि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण मौजूद रहे। भगवान कल्कि को विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इससे कल्कि धाम को इस मायने में भी दुनिया का अनोखा मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे, जिसमें भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को अलग अलग स्थापित किया जाएगा। कल्कि धाम के निर्माण में उसी गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका प्रयोग अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में हुआ। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और जिस चबूतरे के ऊपर मंदिर बनवाया जाएगा वो तकरीबन 11 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में किसी भी तरह के लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। कल्कि मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में किया जाएगा और उम्मीद है कि ये मंदिर 5 साल में पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा। संभल में कल्कि धाम का निर्माण कांग्रेस से हाल ही में निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम करवा रहे हैं और उनके इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने भारत की दुनिया में बढ़ती साख और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही और इशारों में काशी और मथुरा का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अच्छे काम कर गए हैं वो भी जल्द पूरे किए जाएंगे। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है, और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस में मची भगदड़ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैरों को भी अपना बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस के पुराने नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस आला कमान पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मौजूदगी से अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और उनके भी काफी वक्त से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। ऐसे में कल्कि धाम भूमि पूजन के दौरान उनकी मौजूदगी के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। हालांकि इन अटकलों पर खुद उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। कल्कि धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, एक
सपना का सपना साकार हुआ। ये बहुत दिनों के संघर्ष में के बाद हम लोगों को हाई कोर्ट के माध्यम से ये परमिशन अक्टूबर में मिली थी। मैं आचार्य जी का सहयोगी था इस पूरे प्रकरण में, और जब हम लोगों को जब ये परमिशन मिल गई तो उसके बाद 19 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई। तो ये तो हुई प्रधानमंत्री मोदी के धर्मपथ की बात, लेकिन अब बात धर्मपथ से 24 के विजय पथ की, क्योंकि संभल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के सियासी मायने भी है। और यही नहीं, दरअसल बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों पर भी कमल खिलाने की तैयारी में है, जिसमें संभल भी शामिल है। संभल लोकसभा में 16 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता तकरीबन 9 लाख हैं, वहीं 7 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है, जो तकरीबन 50% है। वहीं हिंदू वोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 40% है, जिसमें पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स भी शामिल है। संभल के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 अन्य मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी बीजेपी का फोकस है, जिसमें मुरादाबाद है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50.8% है, तो वहीं रामपुर में भी 50.6% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि बिजनौर में भी 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। और 2019 में बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि अमरोहा में मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है वो तकरीबन 41% है, और 2019 में बीजेपी ये सीट भी हार गई। वहीं नगीना में भी तकरीबन 46% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और बीजेपी ये सीट भी नहीं जीत पाई। हालांकि 2019 में एसपी और बीएसपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा यहां नहीं हुआ और गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 9 सीटें जीती थी, जिसमें एसपी को 4 और बीएसपी को 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वहीं बीजेपी 27 में से 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है, क्योंकि इस बार एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद यहां पर यह है कि इस बार उसे जाट वोटर्स का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भी फायदा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के संभल दौरे के बाद साफ है कि बीजेपी इस बार इन हारी हुई 6 सीटों पर भी भगवा लहराने की पूरी कोशिश करने वाली है।